वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, एक बात साबित है, इस वक्त एतमाद का फुकदान है। हम पहले दिन से डिमांड कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाए। अगर एतमाद बहाल करना है और सफों में इत्तेहाद बहाल करना है तो फुल कोर्ट होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज की जो टेस्ट थी, तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा फिर आपके सामने जो कुछ हुआ है कि एक मुअज्जज जज साहब ने जो है वो माजरत कर लिया है और बेंच एक दफ़ा फिर टूट गया। अब लगता है, मैं स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ कि नया बेंच बनेगा, लेकिन एक बात जो है बार बार साबित हो रही है कि इत्माद का फुकदान है इस वक्त। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि जब सियासतदानों में तो पार्टीबाजी भी होती है, मुखासमत भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, वो तो हमारा हिस्सा है, हमारे कल्चर का, सियासत के कल्चर का हिस्सा है, लेकिन इनके कल्चर का हिस्सा नहीं। कोई भी हुकूमत हो, कोई भी तबका हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, उसका जो है एतमाद मुतज़लज़ल ना हो। आज जो है एतमाद जो है मुतज़लज़ल हो रहा है। मैं फिर कहूँगा कि अगर एतमाद बहाल करना है और अपने सफ़ों में इत्तेहाद बहाल करना है तो फुल कोर्ट हो, ताकि इस इमारत में बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ लोगों के ऊपर जो है वो लोगों का जो है एतमाद जो है उसको नुकसान ना पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।